तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से कक्षकों का विपाटन होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अष्टफलक के क्षेत्रों के अंदर। किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन? अष्टफलक के क्षेत्रों के अंदर बात कर रहे हैं। तो देखिए, अष्टफलक के क्षेत्रों में मैं आपको बता दूं कि लिगेंड अक्षों के ऊपर से गमन करते थे सब, जैसा कि मैं पहले मेरे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अक्षों के ऊपर से गमन करते थे, जिससे कि जो अक्षों के ऊपर उपस्थित कक्षक हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे और अक्षों के बीच में उपस्थित कक्षक कम प्रतिकर्षित होंगे। आप देख सकते हैं कैसे ये 5 कक्षक हैं और ये, तो देखिए दोस्तों किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में धातु के डी कक्षकों का विपाटन होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये T2G है और ये वाला EC, क्योंकि अक्षों के ऊपर से ही लिगेंड आते हैं, इसलिए जो अक्षों के ऊपर वाले लिगेंड है DX2-Y2 और DZ2, ये कक्षक ज़्यादा प्रतिकर्षित हो रहे हैं इस लाइन से। ये देखो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है, ये इससे ये ज़्यादा ऊपर गए, ये कम। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो आप एक चीज़ और नोट करना उसमें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्या? कि इनके बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, कौन सा वाला? ये वाला गैप, ये जो मैंने गैप बनाया, ये गैप मैंने वहाँ पे कम बनाया था चतुष्फलक के क्षेत्र में, ये वाला गैप कम बनाया था। समझिए इस कारण क्या है इसका। इसका कारण ये है कि यहाँ पे मेटल की तरफ 6 लिगेंड आ रहे हैं। मेटल की तरफ कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड। इस तरीके से ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड। जबकि चतुष्फलक के क्षेत्र में केवल कितने लिगेंड आ रहे थे? 4 लिगेंड, 1, 2, 3 और 4। ये चतुष्फलक के क्षेत्र था, ये अष्टफलक के क्षेत्र था। तो जब 4 लिगेंड आएंगे तो प्रतिकर्षण कम होगा, जब 6 लिगेंड आएंगे तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी स्प्लिटिंग? अरे भाई, प्रतिकर्षण की वजह से ये ज़्यादा उच्च ऊर्जा के होंगे। समझिए इस बात को। इनका कारण नहीं बता रहा हूँ मैं, इनका कारण नहीं बता रहा हूँ मैं, इनका कारण बता रहा हूँ भाई। ये 6 लिगेंड आएंगे तो 6 लिगेंड ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनको बिचारों को तो नीचे इसलिए आना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्लस का डिफरेंस आएगा उतना ही माइनस का डिफरेंस भी आना चाहिए, तभी तो ये एनर्जी 0 के बराबर होगी। भाई जितना ये 4 CD ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे वालों को भी 4 CD नीचे उतरनी पड़ेगी, इसीलिए तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल लगेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल का मतलब ये होता है कि ओवरऑल एनर्जी गैप इनके बराबर क्या होता है, एनर्जी ऊर्जा परिवर्तन शून्य होना चाहिए। तो ये नीचे केवल इसको ज़्यादा बढ़ने की वजह से आए हैं। अब अगर चतुष्फलक के क्षेत्र में ये कम ही ऊपर बढ़ेंगे तो फिर ये भी कम ही नीचे आएंगे, इसलिए ये वाला जो गैप है जो डेल्टा टी के अंदर था और इसके अंदर जो गैप था, ये वो कितना हो जाएगा? डेल्टा ओ। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन क्या होता है? डेल्टा टी होता है। डेल्टा का मतलब है क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा इन अष्टफलक के संकुल, और डेल्टा टी का मतलब होता है क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा इन चतुष्फलक के संकुल, वो हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 6 लिगेंड प्रतिकर्षित करते हैं और यहाँ पे 4 लिगेंड प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, समझ में आया सब लोगों को? चलो, तो अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है? अब अपन आगे देखते हैं इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये तो कन्फर्म पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे? डेल्टा ओ का। और ये डिफरेंस टोटल डिफरेंस है, जो T2G और EG के बीच का डिफरेंस है उसको डेल्टा बोला जाएगा, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अष्टफलक के संकुलों के अंदर, वहाँ डेल्टा टी था। ओके, अब देखिए बात आती, मैंने आपको ये बताया था जैसे वहाँ पे कि ये जो गैप है ये 1.2 डेल्टा ओ के बराबर होगा, तो 1.2 ही मुझे ऊपर करना है, 1.2 ही मुझे नीचे करना है, यहाँ पे 1.2 करना है। तो देखो ये एनर्जी ऊपर चली गई तो इसको मैं लिखूंगा प्लस, ठीक है? अब यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे आएगा 0.6 डेल्टा। ओके, और इसको बोलेंगे अपन, यहाँ पे 3 है तो यहाँ ये जो गैप है ना, इसको क्या बोला जाएगा? -0.4 ये गैप हो जाएगा -0.4 डेल्टा हो, क्योंकि 3 कक्षा है तो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1.2 डेल्टा हो, और इधर ऊपर 2 है तो ये भी +0.6 डेल्टा हो, को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी +1.2 डेल्टा हो जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? ये चीज़ें हो गई। अब क्या होगा, वही वाली बात कि इनमें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस संकुल की एनर्जी नेगेटिव में जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो 1 से गुणा, 0.4 से गुणा होगा, 2 जाएंगे तो -0.4 2 से गुणा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो -0.4 3 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस से गुणा होगा।
तो जब देखिए मान लीजिए किसी में चार इलेक्ट्रॉन, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन तो गुणा होंगे माइनस 0.4 से, और एक इलेक्ट्रॉन गुणा होगा प्लस 0.6 से। तो ऐसे ओवरऑल जब देखेंगे तो उस संकुल की ऊर्जा जब नेगेटिव में आएगी तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है कि उतनी ऊर्जा उस संकुल में से निकल गई, और जितनी ऊर्जा निकल जाएगी उतनी उस संकुल की ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब संकुल की ऊर्जा कम होती है तो उसका स्थायित्व बढ़ता है, ये सब लोगों को बताइए। इस तरीके से हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अष्टफलकीय संकुल में भी निकाल सकते हैं और चतुष्फलकीय संकुल में भी निकाल सकते हैं। दोनों के डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से इसमें देखा जाता है। अब हम एक एक में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल के देख सकते हैं, स्थायीकरण ऊर्जा निकाल के देख सकते हैं, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सीएफएससी इन अष्ट ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेज, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा अष्टफलकीय संकुलों में। देखिए कैसे, इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो देखिए हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टफलकीय संकुलन के अंदर किस तरीके से निकालेंगे अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए तो बात करते हैं अपन अष्टफलकीय संकुलों के अंदर किस तरीके से एनर्जी होगा। देखिए ये आपके सामने मैं बता दूं कि ये आपका सब लोगों को पता है, इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था हमने, यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितनी है माइनस 0.4 डेल्टा ओ, और यहाँ पे कितनी है प्लस 0.6 डेल्टा ओ। अब देखिए अब बात आती है D1 कॉम्प्लेक्स के लिए, किसकी बात कर रहे हैं पहले अपन D1 के लिए, तो D1 में एनर्जी की इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ध्यान दीजिएगा पहले आ जाए, तो इसकी CFSC कितनी होगी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CFSC निकालने की, कितनी CFSC होगी इसकी आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं कहूँगा माइनस 0.4 डेल्टा ओ गुणा 1 बराबर माइनस 0.4 डेल्टा ओ। आपको क्वेश्चन में डेल्टा ओ की वैल्यू दी हुई मिलेगी, लेकिन 0.4 आपको पता करना पड़ेगा, फिर आप 0.4 को डेल्टा ओ से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकाल करके आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं D2 के लिए, तो D2 के लिए कैसे निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन तो भरने आते हैं ना, तो एक की 0.4 डेल्टा है तो दो की कितनी हो जाएगी माइनस 0.4 डेल्टा ओ गुणा 2 बराबर माइनस 0.8 डेल्टा ओ। इसी तरीके से तीन D3 होगा तो 3 गुणा 0.4 डेल्टा ओ माइनस में आ जाएगा 1.2। अब देखो D4 कॉम्प्लेक्स में दिक्कत आएगी, D4 में मैंने आपको क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स वो काम करेगा जिसकी उसकी खुद की एनर्जी कम से कम रहे, क्योंकि एनर्जी खुद की कम से कम रहेगी तभी तो स्टेबल होगा, तभी तो क्या होगा वो स्टेबल होगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, चौथे इलेक्ट्रॉन में दिक्कत क्या है, चौथा इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाता है तो फिर उसको इतनी एनर्जी डेल्टा ओ जितनी एनर्जी उसको लेनी पड़ेगी। अरे भाई इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा ना ऊर्जा को, अरे भाई चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करेगा तो ऊर्जा उसकी बढ़ेगी, और अगर यहाँ ना जा करके यहाँ जाता है तो इसके अंदर उसको डेल्टा इतनी इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोल रहे हैं अपन, इसको डेल्टा ओ ही तो बोल रहे हैं, कि अगर डेल्टा ओ तो नहीं लेनी पड़ेगी उसको यहाँ जाने के लिए, वहाँ यहाँ इसमें जाने के लिए इसको डेल्टा ओ क्यों चाहिए, नहीं चाहिए,
लेकिन चूंकि पहले से वहां पे एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो उसको वहां बांधे रखने के लिए एक युग्मन ऊर्जा देनी पड़ेगी अपनी एनर्जी। तो देखो एनर्जी तो दोनों केस में देनी पड़ रही है, ऊपर जाएगा तो डेल्टा ओ देनी पड़ रही है, नीचे जाएगा तो युग्मन ऊर्जा देनी पड़ रही है, और दोनों ही केस में उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। तो आप बताइए कौन सा काम होगा, काम वो होगा जिसमें उसको कम ऊर्जा लेनी पड़े। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या कह सकते हैं कि यदि डेल्टा ओ युग्मन ऊर्जा को इंग्लिश में पी बोलते हैं, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी, से ज़्यादा होती है तो फिर कौन सा काम होगा, कम कौन सा है, पी वाला, तो फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू पी से कम है, तो अब डेल्टा ओ कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि उसको कम वो एनर्जी लेनी है। क्योंकि ये ध्यान रखिए, ये दोनों एनर्जी निकलने वाली नहीं है, ये दोनों एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को, उस संकुल को अपने अंदर लेनी पड़ेगी। और जब अंदर लेगा, मैंने क्या कहा, कोई भी सिस्टम एनर्जी लेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है, हम तो कम करने की बात कर रहे हैं। तो काम वो करेगा तंत्र जिसमें उसको एनर्जी कम लेनी पड़े। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो पी तो फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाली प्रतिकर्षण ऊर्जा का माप है ये, तो ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, डेल्टा ओ कम ज़्यादा हो सकता है। डेल्टा ओ किस पर डिपेंड करता है, कि अगर लिगेंड, ये देखिए, ये अगर लिगेंड इस मेटल की तरफ फास्ट आते हैं या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे, तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। कौन सा गैप बढ़ जाएगा, ये वाला गैप बढ़ जाएगा। क्यों, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो गैप बढ़ेगा, जब गैप बढ़ेगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर लिगेंड वीक होगा धीरे आएगा, लिगेंड की प्रकृति दुर्बल है तो वो धीरे धीरे आएगा, तो ये गैप कम भी हो सकता है। मतलब ये दुर्बल लिगेंड की कंपेरेटिवली मैं अगर बात करूँ, वीक लिगेंड की बात करूँ या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करूँ तो देखिए, ये जो गैप है दोनों के बीच का, ये कम होगा, इसको जिसको हम डेल्टा ओ कह रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो ये गैप बढ़ जाएगा। कौन सा गैप, जहाँ पे ये दो कक्षक हैं और यहाँ पे ये तीन कक्षक, इनके बीच का गैप डेल्टा ओ। तो जब ये गैप कम होगा तो इस केस में पेयरिंग ऊर्जा तो फिक्स है, तो इस केस में पेयरिंग ऊर्जा डेल्टा ओ से ज़्यादा होती है, और इस केस में डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। समझ आया सब लोगों को? तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पांच कक्षक थे, कि जब दुर्बल लिगेंड होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा लिगेंड इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर दुर्बल है, ये ऊपर वाला केस है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, D4 में। किसकी बात कर रहे हैं, T4 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे कब जाएगा, जब लिगेंड स्ट्रोंग होंगे, अगर प्रबल लिगेंड होंगे इस तरीके से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका यहाँ पे 1, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2, 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला जाएगा, क्योंकि अब डेल्टा ओ का मान पी से ज़्यादा है। किसके अंदर, स्ट्रोंग लिगेंड के अंदर डेल्टा ओ का मान पी से ज़्यादा है, वीक लिगेंड के अंदर पी का मान डेल्टा ओ से कम है, तो कम वाला काम होना है। किस कौन सा वाला काम होना है, कम वाला काम है। तो डेल्टा ओ वीक लिगेंड में कम था, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये इसने एनर्जी ली, इतनी एनर्जी, ये जो एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी कौन सी है, डेल्टा ओ एनर्जी है। तो अब आप यहाँ पे CFSA कैसे निकालोगे, -0.4 डेल्टा ओ गुणा 3, 1, 2, 3 +0.6 डेल्टा ओ गुणा 1, क्योंकि ऊपर की एनर्जी +0.6 होती है कि नहीं होती, पता ही है सब लोगों को। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की वैल्यू कम करके निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 0.4 डेल्टा ओ गुणा 4 प्लस 1p क्यों, क्योंकि एक जगह पे पेयरिंग हुई है, युग्मन हुआ। इस तरीके से एनर्जी आपको पेयरिंग ऊर्जा का मान और डेल्टा का मान एग्जाम में दिया हुआ मिलता है, और आप न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं, हम करके देख लेंगे। ओके गुड, अब अपन ऐसे ही डेल्टा D5 का निकालिए, D6 का निकालिए, D7 का निकालिए, D8 का निकालिए, D9 का, D10 का, D10 तक होते हैं ना, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों केस मानते हुए, वीक लिगेंड भी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी, आप मानते हुए दोनों में निकाल के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा।